एक अच्छी लुक दे रहा है किचन। ड्राइंग रूम में देखें जी, काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाया गया। छत की अगर मैं बात करूं तो छत बहुत अच्छी है, सीलिंग प्रॉपर हुई हुई है। अगर कैमरा मैन आपको दिखाएं, यहाँ पे देख लें गैस और बिजली के मीटर यहाँ पे इंस्टॉल हैं, पानी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डीएलटी नेटवर्क में खुश आमदीद, मैं हूँ सुहेल इकबाल। नाजिन, आज हम मौजूद हैं गुलशन मेमार में। आज की वीडियो में हम आपको चल के दिखाएंगे 200 गज का घर। लेकिन उससे पहले अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो गुलशन मेमार गेट नंबर 2 पे हम मौजूद हैं। और अगर मैं बात करूँ जिस घर की हम वीडियो बना रहे हैं, तो जैसे ही गुलशन मेमार गेट नंबर 2 के अंदर एंटर होंगे तो सेक्टर Z2 स्टार्ट होगा और सेक्टर Z2 की तीसरी गली में ही वो घर मौजूद है। अगर मैं बात करूं बेसिक नेसेसरीज की, तो सारी ज़रूरियात ज़िंदगी यहां पे मौजूद हैं, जैसा कि गैस, पानी, बिजली। इसके साथ साथ अगर मैं आपको कुछ फेमस जगहों की बात करूं तो यहां पे अल अजीम मेडिकल सेंटर मौजूद है। इसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मोहसिन फूड भी इसी रोड पे मौजूद है। तो ओवरऑल अगर लोकेशन की बात करें तो बेहतरीन लोकेशन पर यह घर मौजूद है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको घर की डिटेल वीडियो बताते हैं। जी नाज़रीन, तो अभी हम मौजूद हैं बेंगलोर के पास, आपको डिटेल अंदर से विज़िट करवाते हैं। इससे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था कि सारी बेसिक नेसेसरीज यहाँ पे मौजूद हैं। अगर कैमरा मैन आपको दिखाएं, यहाँ पे देख लें गैस और बिजली के मीटर यहाँ पे इंस्टॉल हैं, पानी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ कैमरा मैन अगर आपको ज़रा इस स्ट्रीट की तरफ दिखाएँ, ये वही रोड है जो कि गेट नंबर 2 से हम इंटर हुए थे, मेन रोड पर ही है। अब यहाँ पर बैरियर लगा गया, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर गली पे बैरियर लगा हुआ, कोई एक दो गलियों पे ओपन पाथ होता है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है। तो इससे आपको ये आइडिया हो गया कि यहाँ पे सिक्योरिटी के कितने अच्छे इंतजाम आते हैं। तो चलिए अभी घर चल के अंदर से विज़िट करते हैं। कैमरामैन आपको एक दफ़ा बाहर से पूरी लुक दिखाते हैं इस घर की, उसके बाद फिर हम चलते हैं अंदर चल के वन बाई वन आपको सारे घर की वीडियो बताते हैं। यहाँ पे देखें इस घर में वो एल शेप में जो है ना इन्होंने गैलरी दी है, इसका पर्पज़ होता है वेंटिलेशन। तो एंट्रेंस बहुत अच्छी है, ये देखें यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो अभी यहाँ पे जैसे ही एंटर होंगे आप, सामने मेन हॉल का दरवाज़ा है और साथ ही यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। ड्राइंग रूम में देखें जी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटीरियल लगाया गया। छत की अगर मैं बात करूँ तो छत बहुत अच्छी है, सीलिंग प्रॉपर हुई हुई है। तो ये ड्राइंग रूम हो गया। इस ये है जी मेन डोर है जी, यहाँ से आप जैसे एंटर होंगे तो ग्राउंड पे 3 बेडरूम दिए गए हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये बेडरूम नंबर 1 है, इसके साथ भी जो है अटैच बाथ दिया गया है। साइज़ भी देखे कमरे का काफ़ी बड़ा है। इसके साथ जैसे ही अभी यहाँ से बेडरूम नंबर 1 से हम निकलेंगे तो ये आप देख लें जी, किचन है, काफ़ी अच्छी अच्छी किस्म का मटीरियल यूज़ किया गया, अमेरिकन किचन है और साइज़ बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप देखें टाइल्स बहुत प्यारी लगाई गई हैं, एक अच्छी लुक दे रहा है किचन। इसी तरह से अगर हम छत की भी बात करें, यहाँ पे भी प्रॉपर सीलिंग है, कलर जो है बहुत प्यारा है। और जैसे कि मैंने ड्राइंग रूम में भी देखा, इसमें भी विंडोज़ वगैरह दी गई हैं वेंटिलेशन के लिए, बहुत अच्छा सेटअप है। दरवाज़ों की मैं बात करूँ तो दरवाज़े बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। अच्छा, ये एक और बेडरूम है जी, ये देखें, ये भी अटैच बाथ इस बेडरूम के साथ। यहाँ पर कबर्ड्स भी दी गई हैं, इस सेम जो है ना, इसकी छत भी सीलिंग वगैरह प्रॉपर है। इस बेडरूम से एक दरवाज़ा है, ये वॉशिंग एरिया है, काफ़ी खुला एरिया वॉशिंग एरिया, यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगाई जा सकती है। तो इसके साथ जो तीसरा बेडरूम है आपको वो भी दिखा देते हैं, ये देखें, ये वाला बेडरूम नंबर 3 है, काफ़ी अच्छा बेडरूम है। यहाँ पे इस घर को देख के ये आइडिया हो गया कि यहाँ पे अगर कोई भी कर लेगा तो किसी किस्म का काम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप आएं, जिसने भी कर लेना है वो घर खरीदे और उसके बाद यहाँ पे शिफ्टिंग करके रहना शुरू कर दें। ये वॉशरूम देख रहे हैं, सैनिटरी का जो सामान है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, अब ग्राउंड फ्लोर पे आपको दिखाया कि 3 बेडरूम है, अटैच बाथ है, तीनों के साथ एक ड्राइंग रूम है। फर्स्ट फ्लोर पर जो है 4 बेडरूम दिए गए हैं और एक अब ड्राइंग रूम है आपके पास, इसका भी आपको विजिट करवाते हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे ये देख लें, ये ड्राइंग रूम है और इसके साथ ही ये देखें, ये बाथरूम दिया गया है।
अब ये बाथरूम को कॉमन किया हुआ है, ड्राइंग रूम वाले भी यूज कर सकते हैं, और आगे चल के दिखाते हैं आपको जो बेडरूम है ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आएंगे एक बेडरूम देख लें आप, ये भी दिया गया है। और इसके साथ देखें यहाँ पे हम जैसे ही सेम जो है ग्राउंड फ्लोर पे आप कह लें कि 3 बेडरूम थे, फर्स्ट फ्लोर पे 4 बेडरूम दिए गए हैं क्योंकि वो थोड़ी स्पेस एक्स्ट्रा मिल गई थी। किचन देख लें वैसे ही अमेरिकन किचन यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सीलिंग प्रॉपर वैसे ही बहुत अच्छी सीलिंग है। ड्राइंग रूम देख लें जी आप, इसके साथ ही ये देखें ये बेडरूम नंबर 2 जिसका मैंने आपको बताया था कि वो जो वॉशरूम है वो कॉमन यूज़ हो सकता है, इस बेडरूम वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राइंग रूम वाले भी। तो इसके साथ ही अब ये टीवी लाउंज है, और वही देख लें विंडोज प्रॉपर हैं सारी, सीलिंग वगैरह प्रॉपर है। और यहाँ से फिर वही सेम 2 बेडरूम है फर्दर आगे, दोनों बेडरूम में जो है ना आप देखें अटैच बाथ दिए गए हैं। ये वाला हो गया एक बेडरूम, और इसके साथ ही जो है दूसरा बेडरूम साथ ही है। तो ये दूसरा बेडरूम है जो दी गई है, अटैच बाथ है इनके साथ। तो ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये अभी हम लोग छत पे आ गए हैं, ये देख लें जी 200 गज़ घर की छत, सारी सी बात है इतना बड़ा एरिया है तो छत भी उसी हिसाब से बड़ी है। आप चाहें तो कोई इवेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे फैमिली में अक्सर इवेंट्स होते हैं तो बर्थडे पार्टी वगैरह हो गई या इस तरह की, तो उसके लिए छत आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अच्छा, अगर प्राइस की बात करें तो इस घर की प्राइस जो है वो 2,99,00,000 रुपये है। लोकेशन की बात करें तो घर बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, मेन स्ट्रीट के बिल्कुल साथ ही है, मार्केट बिल्कुल इसके साथ है। इसके अलावा सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छा सेटअप है यहाँ पे, ये आप स्ट्रीट व्यू भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारे घर हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है ये घर। अगर मज़ीद आपके कोई क्वेश्चन है तो आप दिए हुए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।